हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी मेरे से यही बोल रहे हैं, सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, टाइम टेबल कैसे बनाएं, बताइए सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, हम बनाते हैं फॉलो नहीं कर पाते। तो लेट्स डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, आप टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, कैसे फॉलो करेंगे, ये सारा हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं तो जैसे केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ तो यही बोलता हूँ, फोकस ऑन द डेफिनेशन, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले डेफिनेशन समझिए, टाइम टेबल है क्या। लेट से कि मेरा एक टारगेट है, जैसे मेरे को 15 दिन बाद एक टेस्ट है और वो प्रिपेयर करना है उसका सिलेबस, लेट से चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा उसके लिए, उसे उस टारगेट को पता करने के लिए, अप्रोच करने के लिए या अचीव करने के लिए, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करूंगा और वो जो क्या स्टेप कब लेने हैं वो रिमाइंडर बनाऊंगा, दैट इज टाइम टेबल। व्हाट इज टाइम टेबल? The steps we take to reach our target or goal, it can be monthly, it can be weekly, कुछ भी हो सकता है टाइम टेबल। मंथली टाइम टेबल भी होता है, वीकली भी होता है, एंड एज वेल एज ईयरली भी होता है। तो वो कुछ भी हो सकता है और आप उसका रिमाइंडर क्रिएट करते हैं या एक शेड्यूल बनाते हैं वो स्टेप्स लेने का, दैट इज योर टाइम टेबल। सेकेंड, नाउ अब जो अगली चीज बच्चा मेरे से पूछता है वो ये कि सर इम्पोर्टेंस क्या है टाइम टेबल बनाने का। ऐसे ही बच्चा पूछता नहीं है, उसको तो यही है कि मैंने बनाया और फॉलो नहीं हुए। तो मैं ही बताता हूँ इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे आप सीधे पढ़ने बैठ गए बट आपको कन्फ्यूजन है क्या पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ, तो वो लिख लेते हैं तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड, की और किस तरीके से पढ़ना है, 15 दिन बाद वाले पेपर पे फोकस करना है या 1 साल बाद वाले पेपर पे फोकस करना है। बट मुझे लगता है कि 15 दिन वाले पेपर पे फोकस करना है क्योंकि वो भी चैप्टर ही प्रिपेयर होता जा रहा है और आपका, और सक्सेस is nothing but a small small steps ka completion hi hai, to this is importance। now ab hum time table banate hain, sabse badi galti kya karte hain hum time table banane mein, sabse badi galti humse hoti hai ki hum kya karte hain, incomplete time table banate hain। incomplete time table kya hota hai ki jaise agar aap kisi bhi cheez ko just upar se define kar do ya likh do to that is incomplete time table। to main pehle aapko dikhata hu ki incomplete time table hota kya hai। दिस इज इनकम्प्लीट टाइम टेबल जो हम क्रिएट कर रहे हैं टाइम टेबल, ये सबसे बेकार तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने टाइम डिफाइन कर दिया। मैं एक्चुअली टाइम डिफाइन करने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हम टाइम क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं, बट अभी हल्का हल्का बता देता हूँ क्या करते हैं। जैसे मान लो हमने बोला 8 से 2 स्कूल है, 2 से 4 रेस्ट किया और फिर स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि 4 से 6 जो है वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ है कि 4:01 हो जाएगा और आपका ब्रेन एक्सक्यूज देने के लिए बोलेगा 4:15 पढ़ूंगा मैं, 4:16 हो जाएंगे, आपका ब्रेन बोलेगा 4:30 पढ़ूंगा, बल्कि कई लोग तो बोले मैं 4:00 जल्दी उठ के पढ़ूंगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। अब ये फ्लॉ क्या है इस टाइम टेबल में, सबसे बड़ा फ्लॉ है हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिख दिया, टॉपिक डिसाइड नहीं किया, पहला फ्लॉ। दूसरा जो फ्लॉ है इसमें, हमने एम डिसाइड नहीं किया, दूसरा फ्लॉ। तीसरा, देखो सबका अपना ओपिनियन है बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि टाइम डिसाइड मत करो, टाइम फ्रेम डिसाइड करो कि 1 आवर पढ़ना है, 2 आवर पढ़ना है, बट कितने बजे से पढ़ना है ये डिफाइन है। 4:05 भी पढ़ने बैठ जाऊंगा, 4:06 पे भी पढ़ने बैठ जाऊंगा, 4:27 पे भी बैठ जाऊंगा, किसी पंडित ने भविष्यवाणी थोड़ी की है कि मेरे को 4 बजे ही पढ़ने बैठना है या 5 बजे ही बैठना है, 5:30। भाई 31, 32, 33 भी तो बीच में 60 गिनती आती है ना, उसमें बैठ जाएंगे। नाउ एक्चुअली हाउ, अब हम देखते हैं हाउ वी हैव टू प्रिपेयर टाइम टेबल, हमें टाइम टेबल एक्चुअली बनाना कैसे चाहिए। मैं आपको बोलूंगा इनिशियली आप टाइम टेबल वीक में 2 बार बनाइए या वीकली बनाइए। अब बच्चा बोलेगा सर पढ़ने का टाइम नहीं है, आप टाइम टेबल बनाने का टाइम बोल रहे हो। देखिए मैं बोलूंगा कि देखो ये सब बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम बचाने का सबसे अच्छा तरीका यार एक घिसा पिटा तरीका है, सुन सुन के सब बोल रहे हैं कि सुबह जल्दी उठो, बट यार सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। सुबह का 15 मिनट एक्स्ट्रा जो बेड पे लेटे रहते हो ना, उसका पूरा दिन बर्बाद होता है उसके। धीरे धीरे आप क्या करो, अपने डे टाइम को, वेकअप टाइम को बाय 15 मिनट्स डिक्रीज करिए, बाय 15 मिनट्स, एक साथ नहीं, ये ध्यान रखिए। तो आपको टाइम टेबल बिगिनिंग में सुबह उठते 15 से 20 मिनट में बना लेना है। और मेरे हिसाब से टाइम टेबल, कंप्लीट टाइम टेबल ये है कि आपने 2 आवर्स अलॉट किए, आप शुरू में 1 आवर भी अलॉट कर सकते हैं, 30 मिनट भी अलॉट कर सकते हैं। पॉइंट है कि आपको स्टार्ट करना है, आपको शुरू में कुछ ऐसा टाइम डिसाइड नहीं करना है कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, हम क्विट करने पर बिलीव करने कर रहे हैं।
तो आप वो टाइम टेबल दूसरों को देख के नहीं बनाना है, अपने आप को देख के बनाना है कि मैं स्टार्ट कर लूं। मतलब इतना आसान टाइम टेबल बनाना है कि फॉलो ना हो तो खुद पे ही शर्म आ जाएगी, ये नहीं कर सकते तो भैया हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो मतलब कुछ नहीं है। तो अब आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि 2 आवर्स केमिस्ट्री पढ़ने हैं, आप लिखिए कि कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है टाइम टेबल में। कॉन्सेप्ट जैसे लाइक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, फिर टारगेट डिफाइन करिए। वैसे टारगेट वीकली रखिए क्योंकि डेली का नहीं अचीव हो पाता बिगिनिंग में, क्योंकि हम पढ़ना शुरू करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, धीरे धीरे समझते हैं। शुरू में 1 घंटे में एक क्वेश्चन होगा अगर आप कंसेप्चुअली कर रहे हैं तो समझ के, फिर 2 होंगे। अब आप ऐसे कर रहे हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर आप क्या कर रहे हो कि फॉर्मूला पीछे देख लिया फिर ले लिया, ये कोई फायदा नहीं है। आप मन की तसल्ली के लिए काम कर रहे हैं, तो क्वालिटी वे में तो कितना भी टाइम लगे समझ के करिए। हो सकता है पहले दिन 1 घंटे में एक क्वेश्चन हो, दूसरे दिन 1 घंटे में देखो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप लगातार करते रहेंगे कि 1 घंटे में कम से कम 10 क्वेश्चन का स्पीड विल इंक्रीज डेफिनेटली इफ यू विल फॉलो। तो टारगेट डिफाइन करिए। मेरे हिसाब से तो बेस्ट टाइम टेबल में वो होता है जिसमें आप लिखो कि मुझे कंसेप्ट पे वर्क करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने आप बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट टाइम टेबल है जिसमें सारा डिफाइन होता है ना। सर अब बच्चों क्या बोलेंगे, सर मैं टाइम टेबल बनाता हूँ फॉलो नहीं हुआ, सर मैंने टाइम टेबल बनाया फायदा नहीं हुआ, सर मैं टाइम टेबल 7 दिन में से 1 ही दिन फॉलो कर पाया, सर मैं टाइम टेबल 7 में से 2 दिन फॉलो कर पाया, सर जो सोच रहा हूँ उतना नहीं हो रहा है, जो लिख रहा हूँ वो नहीं। अरे बट मैं एक ही चीज बोलता हूँ, पानी से सीखो। ब्रूसली बोलता है बी वाटर माई फ्रेंड, वाटर फ्लोज विदाउट नोइंग इट्स क्वांटिटी। पानी फ्लो होता रहता है बिना ये सोचे कि मैं कितना हूँ। ऐसे ही आप भी पढ़ते रहो बिना सोचे कि कितना याद हो रहा है। देखिए मेरे को जो सबसे ज्यादा मोटिवेशन देता है कोई भी चीज कि अगर आप थोड़ा भी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। जीरो से तो बेटर है, आप टाइम टेबल ही नहीं बनाते उससे तो बेटर है। तो बिल्कुल भी दिमाग को सोचने का स्कोप ही मत दो कि वो आपको बोले कि छोड़ दो। बोलना मैंने 1 क्वेश्चन तो किया है, जीरो से तो ऊपर हूँ। आपको अपने आप को यही समझाना है कि जीरो से तो ऊपर हूँ, बाकी मैं बताऊंगा कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है। अब टाइम टेबल मैंने बनाया कैसे बनाना है, अब कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो आपको यूज करना है कि टाइम टेबल के तरीके। देखो टाइम टेबल कहेंगे, आधे बच्चे बोलेंगे सर टाइम सेविंग बढ़िया, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है सर, टाइम टेबल बच्चा अगर सेव कर बनाने का तरीका है, क्यों बनाने में टाइम वेस्ट करें, सर ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। देखो मेरे हिसाब से भी टाइम टेबल बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका एक हैंडमेड मेथड है, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ। सेकेंड मेथड अलार्म क्लॉक मेथड, एक्चुअली मैं दोनों का कॉम्बिनेशन फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत फायदा हुआ है उससे। तीसरा मेथड ऐप, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ उसको, मेरे को उससे फॉलो करने की कोशिश की थी बट मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप उसे भी डिस्कस करते हैं कि वो तरीके क्या हैं और उनकी कमियां क्या हैं या उनका फायदा क्या है। अब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए। सॉरी ये तो बहुत मेहनत वाला काम है यार। देखो मैं सिंपल सी पहली बात तो, टाइम टेबल बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं और टाइम वेस्ट नहीं। मैं आपको बोलूँगा एक वाइट पेपर लो, A4 शीट चार्ट पेपर, और उसके बाद आप क्या करिए उस पे पन्नी चढ़ा दीजिए, यानी लैमिनेटेड शीट भी बोल सकते हो, लैमिनेशन भी करवा सकते हो मार्केट से, या जो कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं प्लास्टिक कवर वो आप चढ़ा के प्रेस कर दीजिए, और प्रेस करने के बाद वो लैमिनेटेड हो जाएगा। और पर टेम्परेरी मार्कर से उस पे आप ऐसे ही बना लीजिए ताकि आपको डेली उसको एडिट करने में प्रॉब्लम ना हो। ये तो सबसे सस्ता जुगाड़ है कि A4 शीट लिया, प्लास्टिक कवर लिया, चढ़ा के वाइट पेपर प्रेस कर दिया और आपने टांग दिया उसको कहीं पे। बाकी आप बहुत सारे तरीके टाइम वेस्ट करने के यूज कर सकते हैं बट मैं तो यही यूज करता हूँ। तो मैं एग्जैक्टली ऐसा टाइम टेबल कुछ बनाता हूँ कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिख रहे हैं और उस सब्जेक्ट को अलग अलग कलर से कर रहे हैं, ये परमानेंट रहने वाला है आपका। फिर उसके बाद आप अगर देखेंगे तो मैंने डेज लिखे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो यहाँ कलर किया, जैसे फिजिक्स को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्रीन से, केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लू से। मान लो मेरे को 3 दिन ब्लू केमिस्ट्री पढ़ना है तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को मैंने ब्लू से कर दिया। फिर रिवाइज केमिस्ट्री का भी टॉपिक बनाया तो मान लो मेरे को सैटरडे केमिस्ट्री रिवाइज करना है तो मैंने उसे सर्कल कर दिया। फिर नीचे कंसेप्ट का कॉलम है, ये डेली चेंज होगा कि आज मेरे को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ना है तो आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख दिया। टारगेट अचीव हो गया तो नेक्स्ट डे चेंज कर लो, नहीं तो जब तक ये नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेपर में ये नहीं आएगा, आएगा जरूर। ओके नाउ
फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि रिवॉर्ड, अपने आप को इनाम दो. मतलब अगर आपने कोई चीज अचीव कर ली तो मेरे से बच्चा बोलता है सर मेरा जन्म क्या पढ़ने के लिए हुआ है, लाइफ एंजॉय नहीं करूं मैं. कर भाई, बिल्कुल कर. अगर तूने टाइम टेबल अचीव कर लिया है अपने आप को रिवॉर्ड कर. वीडियो गेम खेल ले 30 मिनट, कोई मूवी देखने का मन कर रहा है वो संडे को देख ले. बट अगर टाइम टेबल अचीव हो गया है तो, नहीं तो पनिश योर सेल्फ, डिसिप्लिन योर सेल्फ. देखो डिसिप्लिन किसे बोलते हैं, जब आप बिल्कुल थके हो तो भी आप ये सोच के पढ़ेंगे. ये भी मैं बताऊंगा कि थकने का कॉन्सेप्ट क्या है. ये अभी तो मैं टाइम टेबल के लिए वीडियो प्रिसाइजली बना रहा हूँ. तो जब तो बिल्कुल थके हो फिर भी आपको पढ़ना है तो वो होता है डिसिप्लिन, कि कितने भी हम टायर्ड हैं हम पढ़ेंगे. तो ये डिसिप्लिन फॉलो करना है आपको खुद के लिए बिल्कुल. देन इसके बाद आप इफेक्टिव स्टेप्स लिखिए वहां पे, ये भी डेली चेंज होगा. जैसे आपका स्टेप हो सकता है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या स्टेप हो सकता है मुझे इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़नी है आज के दिन, या ये स्टेप हो सकता है सर एक कंसेप्ट समझ नहीं आया था टीचर से पूछना है. और मोटिवेशनल कोट, एक्चुअली मोटिवेशन इज लाइक बेदिंग, इट्स नेसेसरी डेली टू रिफ्रेश योर सेल्फ, टू रिमूव नेगेटिव डर्ट फ्रॉम योर माइंड. तो आप मोटिवेशनल कोट लिखिए वहां पे. जैसे मैं आज तो अभी आपको टाइम टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, तो मेरा फेवरेट है कि स्टार्ट इज द वर्ड विच स्टॉप्स ऑल. आप में से आधे से ज्यादा लोग तो रुक जाएंगे टाइम टेबल बनाने के लिए, रुक जाएंगे. आधे बना लेंगे तो स्टार्ट करने पर रुक जाएंगे. भाई करो, चाहे आप एक स्टेप भी चलोगे तो जीरो से आगे रहोगे. रिमेम्बर स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस. दूसरा जो आपको ड्रॉबैक आता है टाइम टेबल ना फॉलो करने में दिक्कत आती है, वो क्या आती है? आप सोचते हैं परफेक्टली नहीं हो रहा. यार परफेक्शन इज अ जर्नी, डेस्टिनेशन नहीं है ये. काम करते 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 आप परफेक्ट हो गए, क्वेश्चंस करते 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 आपको फटाफट होने लगेंगे क्वेश्चंस. तो परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस. अगर आप में से कोई ये सोचेगा कि मैं परफेक्टली करूंगा कभी काम नहीं करोगे. जो सोचता है मैं बिजनेस परफेक्ट करूंगा कभी नहीं करेगा. जो सोचता है मैं परफेक्टली पढ़ूंगा एक ही दिन में, कभी नहीं होने वाला. मैं जिस दिन पढ़ूंगा टॉप कर दूंगा, कभी नहीं होने वाला है. ये ध्यान रख लेना है आपको. तो अभी मैंने आपको बताया ये तरीका. दूसरा, इसको क्लब करो अलार्म क्लॉक मेथड से. अलार्म लगाओ 4 बजे का, 6 बजे का, 8 बजे का, कि मेरे को अलार्म लगाना है कि भाई मुझे ये करना है. मैं सोशल मीडिया मेरे को यूज नहीं करना है. अलार्म लगाओ कि मैं, क्योंकि अलार्म अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो रिमाइंड करेगा आपको, इरिटेट होके बंद नहीं कर देना, वो रिमाइंड करेगा. तो अलार्म क्लॉक मेथड बहुत हेल्पफुल होता है. हर 4 बजे का अलार्म, 5 का, 6 का, मेरे को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, लगा दो. इरिटेट होने का मतलब कि आपको जो करना है आप वो नहीं कर रहे हो, तभी तो इरिटेट होते हैं. जैसे कैट का मतलब बिल्ली होता है, छोटा बच्चा आपको बताता है या कोई और, आप इरिटेट होता है. आई नो, ऐसे ही आप अलार्म क्लॉक देखोगे इरिटेट होगे, बिकॉज यू नो यू हैव टू स्टडी बट यू आर नॉट स्टडी एक्चुअली. तो अलार्म क्लॉक को अगर आप इसके साथ क्लब कर दोगे मोस्ट इफेक्टिव है. ट्रस्ट मी, मैं खुद फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत ही फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है. एंड ऐप वाला मेथड इसलिए यूजफुल नहीं है, मोबाइल हाथ में ही रहता है, ऊपर से नोटिफिकेशन आए आराम से क्या कर दिया हमने बंद, और फिर अपना जो भी इंस्टा वगैरह चल रहे हैं चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं. तो इसलिए मुझे ऐप वाला मेथड अच्छा पर्सनली नहीं लगता. ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आप खुद भी कुछ भी कर सकते हैं. अब इसके बाद मैं अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ कि हाउ हाउ टू फॉलो टाइम टेबल, टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है. टाइम टेबल फॉलो करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब मैं वही तरीके बता रहा हूँ जो मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ. अपने आप से बात करो, पॉजिटिव बातें जिसे एफर्मेशंस बोलते हैं. आप बोलिए कि इट्स वेरी इजी फॉर मी, यस आई कैन डू दिस. ये कोई वो बच्चा अलग थोड़ी है. अपने ब्रेन को रेगुलरली खूब सारी बातें करो, ये मेरे लिए बहुत आसान काम है, ये मैं कर सकता हूँ. अपने गोल को इतना छोटा कर लो कि ना करो तो शर्म आ जाए. जैसे आपने टारगेट लिया कि आज मेरे को 5 क्वेश्चन करना है, अब अगर वो भी नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको खुद पर शर्म आने लगेगी. अपना टारगेट अपने घर वालों को बताओ, अपनी फैमिली से बात करो कि आज मैंने ये सोचा है और आज मैंने इतना किया है. देखिए एक मोटिवेशन का सबसे बड़ा रूल होता है अकाउंटेबिलिटी. वीडियो गेम खेलने में मोटिवेशन एडिक्शन क्यों आता है? आपको स्कोर दिख रहा होता है लगातार स्कोर. ऐसे ही आप भी क्या करिए, अपना अकाउंटेबिलिटी रखो. आप जितना बार टाइम टेबल फॉलो कर पा रहे हैं, जितनी बार अचीव कर पा रहे हैं, एक जार रखिए,
उसमें पेपर रोल रखी है कि भाई मैंने आज फॉलो किया, अंदर एक जार में डाल दिया। अब क्या वो पेपर रोल जैसे जैसे ऊपर आएगा या वो धीरे धीरे जार भरेगा, आपको लगेगा यस यू आर डूइंग समथिंग, ये आपको मोटिवेट करेगा। टीचर को या पेरेंट को किसी को भी अकाउंटेबिलिटी दो कि मैंने इतना सोचा था, इतना हुआ, इतने परसेंट। क्योंकि जब आप किसी को बताते हैं ना तो आपका ब्रेन रियली उस आइडिया को परसीव करता है। अरे यार मतलब मैंने जब आप सोचो कि आप जब से 11 स्टार्ट हुई है या जो भी चीज़ आप शुरू कर रहे हैं, जब से आपने स्टार्ट किया है, आप किसी को बताओ कि यार मैं अभी तक ना एक चैप्टर भी नहीं कर रहा, तो आपको खुद पे शर्म आने लगी और 2 महीने और एक चैप्टर ढंग से नहीं आता, मतलब पुअर मैनेजमेंट है। तो अकाउंटेबिलिटी सबसे जरूरी है। दूसरा विजुअल अकाउंटेबिलिटी, ऐसा अकाउंटेबिलिटी जो आपको दिखे, लाइक कि सपोज एक टॉफी आप डालते जा रहे हैं उसमें कि मैं जब 1 महीने बाद इकट्ठी हो जाएगी तो खाऊंगा, या एक एक कॉइन डालते जा रहे हैं कि जितना पैसा इकट्ठा होगा उसका चॉकलेट खरीदूंगा, तो वो विजुअल अकाउंटेबिलिटी। आप ये भी तरीके देखिए, मैं जो भी मेथड बता रहा हूँ आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा नहीं होगा अगर आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप वीडियो को देखने से कुछ नहीं होने वाला। हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वीडियो देखना ही हमें लगता है हमने प्रिपरेशन कर लिया है। दिस इज नॉट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जब आप पढ़ाई करेंगे, ये तो जस्ट आप जस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो देख रहे हैं। हाउ टू डू इज नॉट प्रिपरेशन, यू आर जस्ट लर्निंग हियर हाउ टू डू मेक टाइम टेबल। तो विजुअल अकाउंटेबिलिटी, वर्बल अकाउंटेबिलिटी, आप फैमिली से बात करिए और डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड, फैमिली हमेशा आपको सपोर्ट करेगी हमेशा। तो दिस थिंग मोटिवेट्स यू टू मेक अ टाइम टेबल, एंड ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन इज द की। डिसिप्लिन क्या है? की है। अब आप जब ये सारी चीजें फॉलो करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है आपके सामने? सर मैं परफेक्टली नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। स्लोली करते जाओगे आप परफेक्ट हो जाओगे। एंड लास्ट एंड लीस्ट, अभी जाओ स्टार्ट कर दो, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उन्हें रिमूव करो फटाफट। अगर आज लेमिनेट नहीं कर सकते तो एक रफ पेपर पे ही लिख लो सारी चीजें और बनाओ। ऑल द बेस्ट। एक चीज और, आप अगर ऐसा सोचेंगे बिल्कुल भी कि मैं टाइम टेबल बनाना वेस्टेज ऑफ टाइम है, 15 मिनट डेली या फिर रिवीजन करना, फॉर्मूले याद करना, ये वेस्टेज है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कुल्हाड़ी पे धार लगाना वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो याद रखिए, कुल्हाड़ी धारदार होगी तो काम फटाफट होगा। तो अगर आप ऐसा कुछ सोचेंगे तो थोड़ा सा इसमें गलती, आपको ये काम करना पड़ेगा। चाहे आप अभी 11th में कर लो, 10th में कर लो, 9th में कर लो, 12th में कर लो, ग्रेजुएशन में कर लो, बट आपको ये तरीका फॉलो करना ही पड़ेगा। तो याद रखना, इट इज़ बेटर टू शार्पन योर एक्स। आप क्या करोगे, अपने कुल्हाड़ी पे धार लगाओगे, धार मरी हुई कुल्हाड़ी से पेड़ मारते रहो, नहीं एक टाइम पे कटने ही बंद हो जाएंगे। इसलिए टाइम टेबल बनाना, खुद को मोटिवेट करना, कॉन्सेप्ट सीखना, फॉर्मूले लर्न करना इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, आई होप आई क्लियर योर ऑल डाउट्स हियर। बाय।